कश्मीर में प्रवासियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 26 दिन में टारगेट किलिंग की 10 घटनाएं हो चुकी है। अब दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका है, इसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने शोपिया के अगलर जेनापोरा क्षेत्र में ग्रेनेड फेंका है, इसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। धमाके में 2 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने प्रवासियों पर ग्रेनेड से हमला किया है, इसमें 2 मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं गुरुवार को एक ही दिन में 3 लोगों को टारगेट किया गया है, इनमें से 2 की मौत हो गई थी। सुबह कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शाम को बड़गाम में ईंट भट्टे में काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 1 की मौत हो गई। इससे पहले 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने शिक्षिका रजनी बाला की हत्या कर दी। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर उन्हें गोली मार दी थी। तो घाटी में टारगेट किलिंग देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग देखने को मिली। आतंकियों ने एक और हिंदू कर्मचारी को गोली मार दी और इसके बाद 2 मजदूरों पर भी हमला किया। तो आपको बता दें कि बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे विजय कुमार। 31 मई को कुलगाम के गोपालपोरा में आतंकियों ने हिंदू टीचर की गोली मारकर हत्या की। 25 मई 2022 को कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 24 मई 2022 को आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। 17 मई 2022 को आतंकियों ने बारामूला में ग्रेनेड फेंका, रंजीत सिंह की इसमें मौत हुई। तो वहीं 12 मई 2022 को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बड़गाम में हत्या कर दी गई। 12 मई 2022 को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या हुई। 9 मई 2022 को शोपिया में आतंकियों की फायरिंग में 1 नागरिक की मौत हो गई। तो कई बेगुनाह मारे गए और कई आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, क्योंकि कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार यही वजह कि कश्मीरी पंडित सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हिंदू कर्मचारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग काम के सिलसिले में गए हुए हैं, कुछ लोग मजदूरी करने गए, उन पर भी हमला कर दिया गया, उन पर भी ग्रेनेड फेंक दिया गया। तो निश्चित तौर पर कोशिश और कवायद यही है इन आतंकवादियों की कि लोगों में एक बार फिर से खौफ व्याप्त हो सके। 1990 इस तरीके की घटनाएं देखी गई, उसके बाद एक पलायन की तस्वीर भी सामने आई जिसने सभी को खौफजदा कर दिया। अब उसके बाद एक बार फिर से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है, पलायन का ऐलान भी हो चुका है। तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे में बड़ा फैसला भी लिया है। कश्मीरी पंडितों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ जोन बनाए गए हैं। कश्मीर में ही 8 सेफ जोन बनाए गए हैं। अब तक 177 टीचर्स का सुरक्षित जगह ट्रांसफर किया गया है। लगातार कर्मचारियों की ओर से ये डिमांड भी की जा रही थी कि उन्हें सुरक्षित जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसे में अब तक 177 टीचर्स का सुरक्षित जगह ट्रांसफर हुआ है। 8 सेफ जोन बनाए गए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। सेफ जोन ये बनाए गए हैं, सुरक्षित जगहों पर कश्मीरी पंडित भेजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये बड़ा फैसला, कश्मीरी पंडितों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की ओर से एक और तो जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनकी ओर से न्याय की गुहार लगाई जा रही थी, सुरक्षा के लिए गुहार लगाई जा रही थी कि सरकार प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, तो वहीं दूसरी ओर पलायन का ऐलान कर दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हो गए। वहीं सुरक्षित जगहों पर अब कश्मीरी पंडितों को भी भेजा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ जोन बनाए गए हैं।